सरकार का प्रयास तो अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर भी कुछ कर सकती थी। जैसे इन्होंने 3% जो ऋण में माफ़ी कर रखी है, इससे ऊपर भी कर सकती थी, 6 कर लेती, 7 कर लेती। लेकिन फिर भी प्रयास अच्छा है। और जो सालाना किसान को 5 एकड़ से नीचे वाले किसान को जो 5,500 रुपया पर ईयर मिल रहा है, वो उस पर भी बढ़ोतरी की जा सकती थी। लेकिन कुल मिला के सरकार कुछ ना कुछ सोच रही है। बजट बहुत ही अच्छा है, और ख़ासकर हम जैसे यंग लोग हैं जिनकी सैलरी भी ठीक ठाक है, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारी इनकम थोड़ी और बढ़ जाएगी, और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और ये देश इसके लिए है, और आगे भी मोदी सरकार आएगी। तो ये क्या लगता है कि 5 लाख की जो रिबेट है वो फ़ायदा पहुंचाएगी? क्यों नहीं पहुँचाएगी यार, ओबियसली जो 5 के जो 2.5 लाख का जो बीच में स्लैब था, उसका जो टैक्स था वो बचेगा ना हमारे लिए। टैक्स की रिबेट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी इस समय आम आदमी के लिए, महंगाई बहुत बढ़ी हुई थी, तो उस केस में लोगों को रिलीफ मिलेगा, एंड इलेक्शन में डेफिनेटली इसमें मोदी सरकार को फ़ायदा होगा। किसानों को लेकर भी फायदा हुआ है? किसानों को बिल्कुल फ़ायदा होगा, किसान की फसल का नुकसान होता है हर साल, कुछ ना कुछ उनको तकलीफ होती है, तो उनको डेफिनेटली इससे फ़ायदा होगा, एंड बहुत अच्छा बजट दिया है मोदी सरकार ने। छोटे किसानों को के खाते में 6,000 रुपये जाएंगे, और जिन छोटे किसानों ने ऋण लिया है समय से अदा करके, उनके जो 3% की जो ब्याज में कटौती होगी, मैं समझता हूँ ये भारत सरकार का एक बहुत अच्छा फैसला है छोटे किसानों के लिए। कुछ काफ़ी हद तक किसानों को इससे बहुत राहत मिलेगी। तो भारत सरकार द्वारा जो किसानों के बजट में जो किसानों के लिए जो घोषणा हुई है, वो छोटे किसानों के लिए बहुत हद तक अच्छा है, और इससे भी अच्छा हो सकता था छोटे किसानों के लिए। अगर थोड़ा और मोहलत मिल जाती तो किसानों को बहुत अच्छा होता है।